अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़रुख़। सर्दियों के मौसम में हॉट कॉफ़ी बहुत पसंद की जाती है। आज मैं आपके साथ हॉट कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। चीनी 4 टीस्पून, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 टीस्पून, गरम पानी 2 टेबलस्पून, मिल्क 2 कप, क्रीम ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें, अगर आप ना चाहें तो ना इस्तेमाल करें। कॉफ़ी को फेंटने के लिए विस्क, इलेक्ट्रिक बीटर अगर आप चाहें तो यूज़ करें, मैं आज ये यूज़ नहीं करूँगी। खुले मुँह का प्याला जिसमें मैं कॉफ़ी को बीट करूँगी। कॉफ़ी को गार्निश करने के लिए आप 3 डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर, चॉकलेट पाउडर या सिनेमन पाउडर, जो आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल करें। अब मैं प्याले में चीनी डाल रही हूँ, साथ ही मैं कॉफ़ी भी डाल दूँगी। और फिर इसमें 1 टेबलस्पून के करीब गर्म पानी डालकर इसको मैं मिक्स करूँगी। देखिए इसका कलर बहुत ही डार्क है। अब मैं विस्क यूज़ करूँगी। अब मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। देखिए जैसे जैसे मैं इसको फेंटती जा रही हूँ ये बहुत ही गाढ़ा होता जा रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी और इसको फिर फेंट लूँगी। कॉफ़ी के इस पेस्ट को आप बनाकर फ्रिज में 1 हफ्ते तक रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकाल कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर बदलता जा रहा है, अब ये लाइट ब्राउन होता जा रहा है। जैसे जैसे हम इसे फेंटते जाएंगे इसका कलर लाइट होता जाएगा। कॉफ़ी को मैंने 6 मिनट तक बीट किया है। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं दूध को उबलने के लिए रख दूंगी। अब जिस कप में मुझे सर्व करना है उसमें मैं 2 टीस्पून क्रीमी कॉफ़ी के पेस्ट के डाल दूंगी। क्योंकि मैं 2 कप बना रही हूँ तो मैं दोनों कप्स में 2-2 टीस्पून क्रीमी कॉफ़ी के डाल दूंगी। दूध उबल गया है, अब मैं दूध को कॉफ़ी के कप में ऊंचाई से डालूंगी, यानी काफ़ी फासले से दूध को डालूंगी। इससे ये होगा कि कॉफ़ी में झाग बनेगी और कॉफ़ी बहुत ही क्रीमी हो जाएगी। अब चम्मच से मैं इसको मिला लूँगी। और अब जो बाकी का पेस्ट बचा था मैं वो भी डाल दूंगी और इसको आहिस्ता आहिस्ता मिला लूंगी।
देखिए बहुत ही क्रीमी कॉफ़ी बनी है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून क्रीम के डाल रही हूँ और इसको फिर मैं मिला लूँगी। अब टाइम है इसको गार्निश करने का। 1 कप को मैंने सिनेमन पाउडर से गार्निश किया है क्योंकि मुझे सिनेमन पाउडर बहुत पसंद है, और 2 कप को मैंने चॉकलेट पाउडर से गार्निश किया है। बहुत ही क्रीमी गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।